हेलो एवरीवन चलिए स्टार्ट करेंगे और ये हमारा रहेगा लेक्चर नंबर फोर्टीन इससे पहले जो तेहरा लेक्चर थे उन सब में हमने टर्बाइन कवर किया है और आगे के दो तीन लेक्चर में हम आ, पंप पूरा कवर करेंगे कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम कवर कर लें और पंप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं और जितना भी डिफ़िकल्टी लेवल वो बढ़ा दें एग्जामिनर बढ़ा दें हम इजीली सॉल्व कर लेंगे दो तीन बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर वो बेसिक चीज़ें आप अच्छे से समझ लेते हैं तो श्योरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखिए पंप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इम्पेलर पावर निकालनी पड़ती है ठीक है उसी के बेसिस पर आपकी बहुत सारी एफिशेंसीज डिफाइन होती है और कुछ कुछ हेड्स होते हैं जो हम अभी इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर हाइट को कौन सा हेड बोलते हैं क्या हेड हम कैसे निकालते हैं टाइप्स ऑफ हेड हम देखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे वो रहेगा वेलोसिटी डायग्राम ठीक है और वेलोसिटी डायग्राम बहुत ही ज्यादा इजी है एक तो मैं आपको जनरल पंप के लिए विलोसिटी डायग्राम बताऊंगा और दूसरा मैं आपको बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए विलोसिटी डायग्राम क्या बनेगा ठीक है जनरल पंप हमारा बहुत कम यूज़ होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जनरल पंप का ही एक स्पेसिफिक अगर कंडीशन में केस लेता हूँ तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप बनता है और पंप्स के लेक्चर सीरीज में हम एकदम एंड में जाके देखेंगे कि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो कैसे काम करता है इस पूरे ड्यूरेशन में हम क्वेश्चंस साथ साथ लेके चलेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है मैं क्वेश्चन डालूंगा और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे कुछ क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है चलिए हाइड्रोलिक है, है, पम्प देखेंगे पंप क्या करता है आपका जो मकैनिकल एनर्जी है ठीक है जो शाफ्ट पावर है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है यही चीज़ रिवर्स थी टर्बाइन के केस में जो आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई थी मैकेनिकल एनर्जी में जो कि फर्दर कन्वर्ट हुई थी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है पंप के केस में क्या है पंप को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और पंप यही मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देता है यूसेज आप सबको पता है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कोई भी फ्लूड हाई प्रेशर पर चाहिए ठीक है या फिर आपको कोई भी फ्लूड एक सर्टेन लो हाइट से हाइयर हाइट्स पर ले जाना है तो उस पर्टिकुलर केस में हम पंप यूज करते हैं टाइप्स ऑफ पंप देखते हैं रोटोडाइनमिक टाइप ठीक है मतलब कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो टाइप रहेंगे उनको हम रोटोडाइनमिक कहते हैं ठीक है एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ठीक है जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाता है ठीक है उस केस में क्या होता है अगर आपने आउटलेट मान लीजिए क्लोज कर दिया है ठीक है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या होगा आपका पंप चलेगा कंटिन्यूसली भले ही आपका फर्दर प्रेशर डिलीवर ना हो आगे ठीक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने आउटलेट बंद किया कहीं ना कहीं से लीकेज होगा आपका एक बार जो सक्शन में आ चुका है जो फ्लूड आपका जो वाटर आपका सक्शन में आ चुका है जैसे ही पंप उसको पुश करेगा वो फ्लूड कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएगा या तो कुछ तोड़ फोड़ मचाएगा या फिर आगे फर्दर आपका प्रेशर डेवलप करेगा ठीक है इसलिए उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हाँ फिजिकल आपको अगर प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो ये जो टाइप का आपका पंप है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप मिलेंगे ये जो पार्ट है ये आपका मोटर पार्ट है ठीक है इसमें आपकी मोटर लगी होती है ठीक है मोटर का एक्सेस जो है वो इस पार्ट में आया होता है ये आपकी केसिंग है तो ये आपका एक्चुअल पंप का पार्ट हुआ ठीक है इसमें ये आपका इनलेट रहता है और ये आपका एग्जिट रहता है ठीक है यहाँ से आपकी एंट्री होगी और यहाँ से आपकी एग्जिट हो जाएगी तो एक्चुअल जो पंप वाला पार्ट है वो ये है इस पार्ट की हम कंटिन्यूसली स्टडीज करेंगे ठीक है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्योंकि पीछे का जो पार्ट है वो सिर्फ मोटर है ठीक है ऐसे ही अगर रेसिपरेटिंग पंप की मैं बात करूं तो उस केस में क्या है आपकी ये मोटर लगी हुई है ठीक है मोटर के एक्सिस पे बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव की हेल्प से आपका यहां पे पावर ट्रांसमिट होगा यहां पे आपकी इस पर्टिकुलर इस, केसिंग इस में आपकी कैम्प वगैरह लगी होंगी ठीक है और वो आ, आपकी फर्दर पुष्ट करिएगा तो कैम अरेंजमेंट होगा अगर आपका बहुत छोटा पंप है या फिर आपका सिंपल जो आपने सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म पढ़ा होगा ठीक है उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट रहेगा ये आपका मान लीजिए सिलेंडर है ठीक है तो ये रोटेशन जो यहाँ से मिली गई वो इस सेक्शन में इन्होंने दिया है ठीक है फर्दर ये आपके तीन आपके सिलेंडर दे दिए हैं पंपिंग के लिए ठीक है तो इस टाइप का आपका डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बट इन जनरल प्रिंसिपल ऐसे रहता है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए ठीक है अब रेसिप्रोकेटिंग पंप में बहुत सारे अनबैलेंसिंग्स आती हैं इसलिए जब भी इंडस्ट्रीज में हाई रोटेशन uh, पे हाई डिस्चार्ज पे बहुत सारी चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो हम आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और प्रिंसिपल uh, देखते हैं इसका द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्सड वॉल्टस ठीक है हमने जो फ्लूड मैकेनिक्स का लेक्चर पढ़े थे उनमें फोर्स वॉल्टैक्स फ्री वॉल्टैक्स इनके इक्वेशंस देखे थे इनका रिलेशंस देखे थे क्या होता है वो देखे थे थोड़ा सा इसको रिवीजन में हम डाल लेंगे अभी इसी इसी सीरीज़ में कंटिन्यू कर लेंगे कि वॉल्टैक्स क्या होता है फोर्स वॉल आपका क्या होता है विच सेज दैट वेन अ मास ऑफ वाटर इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस मतलब कि अगर ये एक्सिस है ठीक है और एक मास है वाटर का जो कि इसके अबाउट रोटेट करवाया गया देर इज अ राइज इन प्रेशर इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब कि अगर हर जगह पानी है तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो कम होगा और यहाँ जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में ठीक है मतलब कि जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड जाएंगे अगर फ्लूड घुमाया जा रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए सेंट्री फ्यूगल काम करता है ठीक है एंड द प्रेशर डिक्रीज इज इन इनवर्ड डायरेक्शन द राइज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द स्पीड ठीक है इधर जो चेंज इन प्रेशर आएगा राइज इन प्रेशर आएगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा ओमेगा स्क्वायर के ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डेफिनेशन में ही बता दी गई है डायरेक्टली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी एग्जाम पूछेंगे इस बेसिस पे पूछेंगे आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं ठीक है बस आपको चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं वोटेक्स फ्लो का थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वोटेक्स फ्लो किस टाइप से दिखता है जैसे आपका पानी घूम घूम के ऐसा लग रहा हो कि सेंटर पे केंद्रित हो रहा है इसी इसी पानी का अगर मैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन देखूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा ठीक है तो ये इसका एक्सिस हुआ सेंटर एक्सिस है ठीक है इस सेंटर एक्सिस से मैं जितना दूर जाऊंगा, जितना दूर मैं जाता जाऊंगा प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा ठीक है यही वोटैक्स का प्रिंसिपल है फोर्स वोटैक्स का प्रिंसिपल जो है नेचुरल ये जनरली ये वाला जो वोटैक्स है ये फ्री वोटैक्स होता है ठीक है फ्री वोटैक्स क्योंकि नेचुरली क्रिएट हो रहा है नेचुरली बन रहा है नेचुरली घूम रहा है फोर्स वोटैक्स में आपका कोई टर्बाइन सॉरी कोई इंपेलर या कोई आई कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स हम देते हैं जिसकी वजह से वो क्रिएट होता है सिमिलर आपका सेंट्रल पंप में वोटैक्स क्रिएट होता है जब आपका इंपेलर घूमता है ठीक है चलिए देखते हैं थोड़ा सा इक्वेशन हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था मान लीजिए आपका ये ग्लास है ठीक है और इस ग्लास में इनिशियली पानी यहाँ तक भरा हुआ था और आपने इसको ओमेगा स्पीड से घुमा दिया है ठीक है ओमेगा स्पीड घुमाने से सेंटर में थोड़ा पानी डिप करेगा और साइड में पानी थोड़ा सा राइज करेगा ठीक है अगर कोई भी पर्टिकुलर दो पॉइंट कोई भी दो पॉइंट मैं इसमें उठाता हूँ जिसमें पहला जो पॉइंट है उसमें उस, उस पर जो रेडियस है वो आर वन पे है ये आपका फाइनली जो पानी है वो है ठीक है और दूसरा जो पॉइंट है उस वो रेडियस आर टू पे है और इन दोनों का जो वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है वो एच है इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी ठीक है फोर्स अपॉन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्यर हाइट जो है वो आपका पी टू माइनस पी वन पी वन डिवाइडेड बाई रो जी दैट विल बी इक्वल टू रो ओमेगा स्क्यर आर टू स्क्र माइनस आर वन स्क्र बाई टू जी इसका एक्सप्लेनेशन की मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है अगर आप पहले फ्लूड मैकेनिक्स के लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ से आपका आता है कि आपका जो चेंज इन प्रेशर है वो आपका ओमेगा स्क्यर के प्रोपोर्शनल रहेगा ठीक है अगर पॉइंट वन ये मेरा पॉइंट वन अगर है और ये मेरा पॉइंट टू है तो इनके बीच में अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ ठीक है हैड बैलेंस करता हूं तो मेरा आता है पी वन बाय रोजी माइनस वी वन स्क्र बाई टू जी प्लस जेड वन दैट विल बी इक्वल टू पी टू बाय रोजी माइनस वी टू स्केर बाय टू जी प्लस जेड टू ठीक है ये पॉइंट टू पे आपके एनर्जीज हैं और ये पॉइंट वन पे आपके हेड हैं चलिए अभी दोनों को रीअरेंज करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्राइव कर चुके हैं अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप वोटेक्स फ्लो से रिलेटेड जो मैंने फ्लूड मैकेनिक्स में लेक्चर बनाए हैं उसमें आप उस प्ले में जाएंगे फ्लूड मैकेनिक्स के और वहाँ पर वोटेक्स फ्लो का लेक्चर एक बार देख लेंगे मुश्किल से आपका आधे घंटे का लेक्चर होगा आधे पौने घंटे का कुछ लेक्चर होगा चलिए अब चलते पंप के पंप में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझेंगे क्योंकि एक बार बेसिक आपके दिमाग में सेट हो गया उसके बाद हम इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है बेसिक बेसिक मैं आपके दिमाग में सेट करता चला जाऊंगा उसके बाद हम विलोसटी डाइग्राम देखेंगे और फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन देगा क्वेश्चन पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सारे इजीली सॉल्व कर लेंगे जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था और जब मैं प्रैक्टिस किया करता था जब मैं क्लास लिया करता था उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा मेन फोकस रहा करता था कि कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार मेमोराइज़ हो जाए ठीक है मेरे दिमाग में पहले जितने भी बेकार कॉन्सेप्ट मैं भूल जाऊँगा और जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है मैं सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दूंगा चाहे वो टीचर सही पढ़ा रहा हो या गलत पढ़ा रहा हो ऑफ़कोर्स जो टीचर है वो सही पढ़ाता है और उस पर विश्वास रखना कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो बहुत सही पढ़ा रहा है वो यही थॉट मैं अपने दिमाग में रखा करता था क्योंकि मेरे पास तो जनरली काउंटर करने के लिए कुछ था नहीं मैं एकदम कोरा पन्ना आया था जब मैं पढ़ने आया था और उस टाइम जब दिमाग में कुछ होता नहीं है आपने कॉलेज में सिर्फ एग्ज़ाम चीटिंग करके पास किए हों उस पर्टिकुलर केस में क्या है आप एकदम ब्लैंक आते हैं और जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है जब आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं एक ऐसे इंसान को पढ़ाना बहुत इजी होता है जिसने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की हो और ऐसे स्टूडेंट के लिए भी बहुत इजी होता है एग्ज़ाम क्रैक करना जिसने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी हो जो लोग कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं उनके कॉन्सेप्ट वहाँ आधे अधूरे डेवलप होते हैं फिर जब वो तैयारी के दौरान कॉम्पटिशन एग्ज़ाम के दौरान जब कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो दोनों में कुछ कुछ चीज़ें मिसमैच होती है और वो कन्फ्यूजन्स में रहते हैं तो बहुत अच्छी रैंक्स बहुत रेयर वो लोग लेके आ पाते हैं बहुत अच्छी रैंक जनरली उन स्टूडेंट्स की आती है जो कॉलेज टाइम में एकदम कोरा पन्ना रहे हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मान लीजिए ये आपका संप लेवल है संप लेवल का मतलब ये है कि ये वाटर का टॉप लेवल है यहाँ से आपके पंप को पानी सक करके कहीं पे डिलीवर करना है ठीक है तो टेक्निकल वर्ड्स में इसको हम संप बोल देते हैं कि जहाँ से पानी पिक करना है ठीक है जहाँ से पानी पिक करना है वहाँ से पाइप कनेक्ट करी जाएगी और इसमें एक स्ट्रेनर लगा जाएगा स्ट्रेनर एक टेक्निकल वर्ड है फिजिकल इसका आ, ये एक सिंपल एक जाली है ठीक है जाली किस लिए क्योंकि पानी में कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो सकता है जो कि आगे जाके आपके पंप में घुस सकता है ठीक है तो एक सिंपल ये जाली है स्ट्रेनर का मतलब होता है जाली ठीक है अब आपका जो आ, संप लेवल है मतलब पानी का जो हाईएस्ट लेवल है जो आपका रिजर्वायर है वहां से जब भी आप पंप कर रहे हैं और जो आपका इम्पेलर का सेंटर पॉइंट है ठीक है इसके बीच का जो डिस्टेंस है जो हाइट है वो आपका सक्शन हेड कहलाता है ठीक है सक्शन हेड का इंपॉर्टेंस आगे जाके हम देखेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हम एक चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आ, मुझसे बी आर सी एम बी आर सी का जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो लास्ट में उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड का मतलब क्या है हालांकि मैंने फ्लूड मशीन्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स में नहीं बोला था फिर भी उन्होंने लास्ट में पूछ लिया था उसका जवाब भी मैंने उनको बहुत अच्छे से दिया था हाँ आपको मैं एक बार पूरा ये पम्प्स पढ़ा दूंगा पढ़ाने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन फिर से सोचेंगे कि नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड का मतलब क्या है तो प्रैक्टिकल जो मीनिंग है वो आपको समझ आएगा मैं चीज़ें आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट करते जाएंगे और फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको किसी भी हिसाब से ट्विस्ट कर दे आपका श्योरली आंसर आएगा ये आएगा क्योंकि विद इन सिलेबस आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट बेज पूछता है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चलिए आगे देखते हैं तो ये आपकी क्या होगी यहाँ तक कि आपकी सक्शन पाइप होगी ठीक है सक्शन पाइप हो गई है अब पंप का पार्ट देखते हैं जो मैं कह रहा था आगे की जो केसिंग है वो ये वाला पार्ट है ठीक है इस पार्ट में ये जो एरिया है यहाँ पे आपका पानी एंटर कर रहा है जो मैंने आपको दिखाया था ठीक है पानी एंटर करेगा और ये आपका रोटेशन है ठीक है ये आपकी ब्लेड्स हैं ठीक है वेंस जिनके जिसके अराउंड हम विलोसिटी डाइग्राम्स पढ़ेंगे अभी ठीक है ये आपकी वेंस हैं ये बेसिक डायग्राम है इन वेंस के बाहर और भी गाइड वेंस हो जाती हैं वो सिर्फ़ पानी को गाइड करने के लिए होती है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं होता है वो सिर्फ़ आपका फ्लो कम ज़्यादा प्रेशर कम ज़्यादा ये सब रेगुलेट करने के लिए होती है अपने सिलेबस के हिसाब से अपने हिसाब से ये जो ब्लेड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी इम्पेलर पे लगी होती है ठीक है इसी के अराउंड हम वेलोसिटी डायग्राम पढ़ेंगे इस टाइप से ठीक है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब मैं वेलोसिटी डायग्राम आप पढ़ाऊँगा तो ये सेक्शन में आपको जूम करके दिखाऊँगा ठीक है और ये जो आपका पार्ट है बाहर वाला ये आपका ऑफकोर्स केसिंग हो गया है और इस इस पार्ट को हम आई ऑफ द इम्पेलर बोल देते हैं ये सारी चीज़ सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चंस आए तो उसमें ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जो आपने सुना ना हो कोई भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये आपका एस पॉइंट हो गया एंट्री टू द पंप ठीक है पी पॉइंट आपका हो गया एग्जिट टू द पंप ये आपका पंप का एग्जिट हो गया ठीक है वन आपका एंट्री ऑफ द इम्पेलर है मतलब ये पॉइंट ठीक है और टू आपका एग्जिट ऑफ इम्पेलर है जहाँ पे हम वेलोसिटी डायग्राम्स बनाएंगे ठीक है जहाँ पे हम वेलोसिटी डायग्राम्स बनाएंगे ठीक है वन और टू पॉइंट इम्पेलर का एंट्री एग्जिट हो गया मतलब कि जब विलासिटी डाइग्राम से हम इम्पेलर पावर निकालते हैं तो वो वेन के ऊपर कितनी पावर यूज़ हुई है वो वो निकाल रहे हैं ठीक है थीके? उसके बाद अगर वो शाफ्ट पावर इन्वॉल्व करता है या वो हाइड्रोलिक पावर इन्वॉल्व करता है वो सारी चीज़ें आप देखते चले जाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको शाफ्ट पावर में कन्वर्ट किया होगा मोटर ने मतलब मोटर एफिशेंसी क्या होगी शाफ्ट पावर बाय इलेक्ट्रिकल पावर ठीक है फिर इम्पेलर ने जो भी अवेलेबल शाफ्ट पावर थी उसको कन्वर्ट किया होगा हेड में ठीक है मैनोमेट्रिक हेड में अब जो हेड आपका कन्वर्ट हुआ उस हेड इसका इंपेलर की एफिशिएंसी क्या हुई जो आपका हेड कन्वर्ट हो पाया डिवाइडेड बाय जो उस पर इनपुट था इनपुट क्या था शाफ्ट एनर्जी थी ठीक है आ, तो इस हिसाब से आप सारी एफिशिएंसीज निकालते चले जाएंगे अब आगे देखते हैं जो पंप का एग्जिट है ये आपका पंप का एग्जिट है और जो आपका डिलीवरी हाइट है ठीक है इसके बीच का जो हाइट है उसको हम बोलेंगे डिलीवरी हेड ठीक है एक्सेस जो यहाँ पे वेलोसिटी देगा पंप वो वी डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ डिलीवरी क्योंकि ये भी कुछ तो एनर्जी लेके जा रहा है ठीक है सिंपल ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पानी पहुँचा और ऐसे तुरंत से गिर गया कुछ तो वेलोसिटी उसके पास रहेगी तो डिलीवरी हेड उसको हम बोल देंगे ठीक है और पंप का जो एग्ज़िट है जहाँ पंप डिलीवर कर रहा है पी डी वी डी जेड डी ये हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी गई है ठीक है चलिए आगे देखते हैं वोल्यूट केसिंग ऑफ डिफ्यूज़र गाइड वेन ये आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ ये आपका इम्पेलर का पार्ट है ठीक है जो हमने अभी पढ़ा है ये जो वेन्स है ये आपकी गाइड वेन्स हैं ठीक है थीके? ये आपका सिर्फ एंगल सेट करने के लिए होती है ये सेंटर पे हिंज्ड होती हैं ठीक है थीके? और सारी एक साथ रेगुलेट होती है अब सबको अगर टर्न कर दिया तो ये फ़्लो कम कर देगी और सबको एक ऑलमोस्ट रेडियल कर दिया तो ये फ्लो मैक्सिमम कर देगी सिर्फ ये फ्लो मेंटेन करने के लिए काम आती है जिसका प्रैक्टिकल हमारे क्वेश्चन में यूटिलाइज नहीं होगा क्वेश्चन में हमारी ये वाली ब्लेड्स यूज होंगी ठीक है ये वाली ब्लेड्स यूज होंगे ये आपका इम्पेलर घूम रहा होगा अब घूमने से क्या है इनके बीच में जो फ्लूड पार्टिकल है अब जैसे ये ब्लेड इस तरफ आया फ्लूड पार्टिकल को बाहर पुश करेगा ठीक है फ्लूड पार्टिकल को बाहर पुश करेगा ठीक है और इधर जो लो प्रेशर जनरेट होगा उससे फ्लूड पार्टिकल अंदर आएगा यहाँ से इस पोर्शन से अंदर आएगा फिर वो बाहर पुश होगा अंदर आएगा बाहर पुश होगा फर्दर कंटिन्यूसली जब पानी इस तरह से पुश होता जा रहा है तो बाहर वाली जो केसिंग है इसमें इकट्ठा होता जाएगा और प्रेशर की वजह से इसका मूवमेंट इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल रहता है नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इम्पेलर वेन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि एक एक मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया करता है एग्जामिनर और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए ये आपका आई ऑफ इम्पेलर है यह आपका इम्पेलर है और इस पर एक ब्लेड मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये मतलब बाकी ब्लेड भी इस तरह से हैं ठीक है ये आपकी ब्लेड्स हैं अगर ये इस तरफ घूम रहा है ठीक है इस तरफ घूम रहा है और ब्लेड का एंगल इस तरह से है ठीक है तो मतलब पीछे की तरफ एंगल बैकवर्ड वेन इसको बोलेंगे ठीक है और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है ठीक है आगे हम को क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ आएगा इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फाई है जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है आपका यू के साथ ठीक है ब्लेड वेलोसिटी के साथ जो है वो जो एंगल है फाइव आपका लेस देन नाइन्टी डिग्री रहेगा अभी वेलोसिटी डाइग्राम हम बनाएंगे तो आपको ये चीज़ बहुत बेटर समझ आएगी ठीक है रेडियल वेन कैसी होती है ये आपका इम्पेलर है ठीक है ये आपकी वेन है एकदम स्ट्रेट ठीक है इस तरह से आपकी ब्लेड्स हैं तो आपका ये रेडियल वेन कहलाएगा आपका फाइव जो है वो 90 डिग्री रहेगा इसमें हाँ इसमें भी पंप पंप करेगा क्योंकि इधर जो पानी आएगा इधर जो पानी है ब्लेड जैसे ही घूमेगी जैसे ही ब्लेड घूमेगी इस पानी को बाहर पुश करेगी ठीक है बाहर पुश करेगी लो प्रेशर क्रिएट होगा और इधर से पानी और इधर मूव करेगा तो फ्लो तो इसमें भी होगा प्लेन ब्लेड्स रहेंगी तब भी बट प्रेशर उतना हाई जनरेट नहीं हो पाएगा फ्लो उतना हाई जनरेट नहीं हो पाएगा जितना रिक्वायर्ड है अब आगे चलते हैं अगर आपका ये इम्पैलर है और इस डायरेक्शन में क्लॉक घूम रहा है और ब्लेड की डायरेक्शन भी यही है ब्लेड की डायरेक्शन भी आपकी उसी सेम डायरेक्शन में है तो इस टाइप का जो आपकी ब्लेड्स होंगी वो फॉरवर्ड वेन कहलाएंगी जिसमें आपका 590 से ज़्यादा हो जाता है हाँ कुछ लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो उनने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आ, पीछे से जब लाइन के तार पलट जाते हैं तो आपका जो मान लोजिए ये इम्पेलर ये वाला जो इम्पेलर और ये वाला है इसमें डिज़ाइन में कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ रोटेशन का डिफरेंस है अगर इस तरह से रोटेट करता है तो बहुत हाई फ्लो दे देता है बहुत हाई प्रेशर दे देता है इस तरह से फ्लो करेगा तो जो डिस्चार्ज आपका है वो बहुत लो हो जाता है मतलब कि जब आपके तार रिवर्स हो जाते हैं या फिर जो लोग अभी भी गांव में रहते हैं जिनके पास अभी भी इसी इस टाइप का सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है तो वो तार कभी रिवर्स करके देख लें स्टार्टर में से तो पानी की जो डिलीवरी है वो बहुत कम हो जाएगी कई बार मेरे घर में ऐसा होता था पानी की डिलीवरी जब बहुत कम हो जाती थी इसका मतलब हम समझ लेते थे कि पीछे जो ट्रांसफार्मर कहीं लगा हुआ है वहाँ से कुछ फेज़ का इंटरचेंज हो गया तो मैं अपने स्टार्टर से इंटरचेंज कर दिया करता था तो रोटेशन ठीक हो जाता था और डिलीवरी अच्छी आने लग जाती थी ठीक है चलिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेलोसिटी डायग्राम जो कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर ये स्लाइड आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में भी लिखेंगे ये स्लाइड समझ नहीं आती है तो आप ये ये पर्टिकुलर सेक्शन इस वीडियो का फिर से रिपीट करेंगे ठीक है क्योंकि अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आया तो श्योरली आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ठीक है चलिए देखते हैं यह आपका मूवमेंट है मतलब कि आपका सेंटर कहीं यहां रहा होगा और यह आपका इंपेलर घूम रहा है ठीक है इस टाइप से यह आपका इंपेलर है ठीक है इस पे ये आपकी ब्लेड लगी हुई है ठीक है बैकवर्ड वेन है इस पर्टिकुलर के जनरल पंप के लिए मैं अगर डायग्राम बना रहा हूं इसमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा के हम सेंट्रीफ्यूगल पंप बना देंगे ठीक है तो जनरल पंप में क्या है आपका फ्लो विलोसिटी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमेशा आपका रेडियल ही होगा ठीक है और फ्लो विलोसिटी एग्जिट पे भी आपकी रेडियल होगी वी एफ टू ठीक है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इनलेट पे जो एक्चुअल विलोसिटी होगी उसके डायरेक्शन ऐसे होगी परफेक्ट ठीक है वी वन और रिले और वी डब्ल्यू वन क्या होता है वी वन का ही हॉरिजोंटल कंपोनेंट ठीक है क्योंकि ये आपका एक्चुअल जो थ्रस्ट क्रिएट करेगा ब्लेड पे एक्चुअल जो आपका फोर्स ब्लेड पे क्रिएट करेगा वो है वो उसमें हेल्प करेगा ठीक है ऐसे ही एग्जिट पे आपके एग्जिट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो ये है वी टू और इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका विरल वेलोसिटी है ठीक है यहां एंगल जो होता है उसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं और यहां पे जो एंगल होता है एग्जिट पे तो उसको हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं ठीक है नोटेशन आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं बस आप शुरू से आखिरी तक सेम नोटेशन यूज़ करें ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए या फिर नोटेशन भी याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपको क्वेश्चन देगा वो कभी नहीं कहेगा एल्फा इज दिस बीटा इज दिस ठीक है वो हमेशा ये कहेगा इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल ये है एग्जिट वेलोसिटी का एब्सोल्यूट एंगल ये है ठीक है वो कभी भी अल्फा बीटा की टर्म्स में यूज नहीं करेगा तो आप कुछ भी इनका नाम रख सकते हैं जो भी आपका मन करे ठीक है हाँ इसमें जो आपकी ब्लेड विलोसिटी है इनलेट पर वो यू वन है ठीक है और ब्लेड विलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनका जो रिजल्टेंट आता है वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी आता है ठीक है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी साइड आई क्योंकि एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी है वो कम रहती है कंपेयर टू ब्लेड वेलोसिटी क्योंकि ब्लेड तेज घूमेगी तो ही तो पानी को सक्शन करके ले जा पाएगी मतलब कि ब्लेड पे हम एनर्जी दे रहे हैं फिर आपका वाटर मूव कर रहे हैं टर्बाइन के केस में क्या था वाटर आ रहा है फिर ब्लेड मूव कर रहा है इसका मतलब है कि टर्बाइन के केस में आपका वी वन है वो ब्लेड वेलोसिटी से ज़्यादा हुआ करता था ठीक है चलिए यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा रहेगा ठीक है।, है ऐसे ही जब एग्जिट करेगा तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी धर डायरेक्शन में रहेगी और U2 आपका जो है एग्जिट ब्लेड वेलोसिटी U2 ठीक है तो एक्जिट एब्सोल्यूट वेलोसिटी और U2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका आया करता था रिलेटिव वेलोसिटी ठीक है इसको हम फाइव से डिनोट कर रहे हैं ये वही फाइ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था पिछले स्लाइड में सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या होता है एक छोटा सा चेंज आता है आपकी एप्सोल्यूट वेलोसिटी वरल ये फ्लो वेलोसिटी के बराबर हो जाती है ठीक है एप्सल्यूट वेलोसिटी आपकी फ्लो विलोसिटी के बराबर हो जाती है, मतलब ये जो पार्ट है आपका ये हट जाता है ठीक है इसका मतलब है अल्फा आपका 90 डिग्री हो गया वी वन आपका वी एफ वन के बराबर हो गया बाकी पूरा एज इट इज सेम रहेगा ठीक है तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है या कैसा है तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन करने से पहले बना लेंगे ठीक है फिर जो जो आइटम आपको गिवन रहेगा उसको इक्वल टू सेट कर लेंगे इक्वल टू ठीक है इसको सेट कर लेंगे आप ठीक है इस हिसाब से आप लिखते जाएंगे पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर वहां पे वैल्यू लिखते जाएंगे ताकि आपको समझ आए कि अगर मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है ये 90 डिग्री एंगल है ये पूरी लेंथ गिवन है और ये पार्ट गिवन है तो मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ इसमें से ये माइनस करके मैं ये पार्ट निकाल सकता हूँ फाइव गे है तो इस इसके हेल्प से मैं ये पार्ट निकाल सकता हूँ तो वेलोसिटी डायग्राम आप पहले बनाएंगे फिर आप क्वेश्चन करना चालू करेंगे अगर आपने गलती से ऐसा किया कि मैं वेलोसिटी डायग्राम में बाद में बनाऊँगा मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज तो आप अटक जाएंगे ठीक है फॉर्मूलाज याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से आप कुछ ना कुछ चीज़ें जो फार्मूला में मिस हो रहेगी वो आप यहाँ से निकालेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के और फिर आप फार्मूला में रखेंगे सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा आपको ये नहीं पता रहेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पम्प में इनलेट पे डायग्राम ऐसा बनता है तो आप ये वैल्यूज़ नहीं रख पाएंगे और आप अगर ये वैल्यूज़ नहीं रख पाएंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल में नहीं आ पाएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो अगर सेंट्री फ्यूगल पंप डिफाइंड नहीं है तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बना लेंगे अगर सेंट्री फ्यूगल पंप बोल देता है तो आप ये डायग्राम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बना लेंगे ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वेलोसिटी डायग्राम इन डायग्राम्स को आप पचास बार ड्रॉ करके कर देखें दस बार ड्रा करके कर देखें बट आपको बाय हार्ट ये रटा होना चाहिए चलिए अब तो छोटी छोटी, छोटी चीजें आप तो आप निकाल ही लेंगे यू वन आपको पता ही है आर ओमेगा होते हैं ठीक है 60, ऐसे यू टू आपका आर ओमेगा आर टू ओमेगा ओमेगा हो गया जो कि पाई डी टू बाई एन हो गया हाँ डी टू ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि एग्जिट का है इसी हिसाब से आपका यू टू भी ज्यादा हो जाएगा अब आते हैं इंपेलर पावर पे इम्पेलर पावर क्या होता है टी ओमेगा ठीक है ओमेगा आपका साइड में रख लिया टी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं एम वी आर होती है जनरली एम वी आर ठीक है मास फ्लोरेट इंटू विरल वेलोसिटी ठीक है एग्जिट पे और आपका आर टू अब विरल वेलोसिटी मैंने क्यों ली है क्योंकि आपका जो ये मान लो ये आपका इम्पेलर है ये आपकी ब्लेड है और ये आपकी मूवमेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंपोनेंट था वो वीडब्ल्यू था ठीक है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज जो आएगा मोमेंटम का जो चेंज आएगा वही फ़ोर्स क्रिएट करेगा उसी को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क देगा ठीक है अब वही फोर्स क्रिएट कर रहा है तो उसी में चेंजेस मैं नोट करूंगा ठीक है उसी में ही मैं चेंजेस नोट करूंगा ठीक है पहले मेरा मोमेंटम ये था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही मेरे को फोर्स दे रहा है और उसी को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो मेरे को टॉर्क दे रहा है ठीक है और टॉर्क इंटू मैं एंगुलर वेलोसिटी करता हूँ तो मेरी पावर आ जाएगी इम्पेलर की कितनी पावर जनरेट हुई है ठीक है इम्पेलर ने कितनी पावर जनरेट करी है ठीक है अब मास इंटू विलॉसिटी इंटू रेडियस माइनस मास इंटू विलोसिटी इंटू रेडियस ठीक है ये आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए ठीक है आगे देखते हैं ओमेगा एज इट इज बाहर आ गया मास कॉमन रहेगा क्योंकि कोई भी स्प्लैशिंग नहीं है क्योंकि क्लोज केसिंग है आपका मास फ्लोरेट जितना घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा ठीक है अंदर आपका क्या बचा वी टू आर टू वी डब्लू टू आर टू एंड वी डब्ल्यू वन आर वन ठीक है इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आपका मास फ्लो रेट को मैं लिख सकता हूँ रो इन टू क्यू ठीक है रो आपकी डेंसिटी होगी और क्यू आपका फ्लो रेट हो गया आर टू इंटू ओमेगा ये आपका यू टू हो गया आर वन इंटू ओमेगा ये आपका यू वन हो गया वी U2 टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन ठीक है, सिमिलर जब हमने निकाला था टर्बाइन के केस में तो उसमें रोटर पावर जो आपकी आती थी वो क्या आती है रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू ये हमारी हुआ करती थी एकदम उल्टी हुआ करती थी पंप के केस में इंपेलर पावर आपकी एकदम इसके रिवर्स आ गई है उसके केस में आपका कुछ कुछ केसेस में फ्रांसिस टर्बाइन है या एक दो टर्बाइन है या क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी रख दी कि आपका ये पार्ट ज़ीरो हो रहा है ठीक है तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव पावर आ जाती थी वो ये आ जाती थी जैसे क्वेश्चन डिफाइन करेगा वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे ठीक है हाँ अगर उसको मैं यूलर हेड के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो मास फ्लोरेट इन टू जी से डिवाइड कर दूंगा इम्पेलर पावर को और इसे डिवाइड करने के बाद जो आपका रो क्यू है ये कैंसिल हो जाएगा एम डॉट से ठीक है ये पार्ट तो आपका ये चीज़ बचेगी वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन डिवाइडेड बाय जी ठीक है स्पेशल केस एक देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा ठीक है कि ये इंपेलर पावर शॉर्ट फॉर्म में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन में दिखेगी और कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा चलिए उससे पहले हम टाइप ऑफ हेड डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक हेड जो है वो आपका एच एस होगा जो कि आपका सक्शन हेड और डिलीवरी हेड दोनों का ऐड करके होगा सक्शन हेड और डिलीवरी हेड मैं बता चुका हूँ आपका इम्पेलर का सेंटर पॉइंट और जो आपका सम्प का लेवल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका सक्शन हेड है ठीक है सक्शन हाइट जो होगी वो हो गया डिलीवरी हेड जो आपका पंप का जो एग्जिट है पंप के एग्जिट से हाईएस्ट पोजीशन जहाँ तक हमें पंप करना है वो आपका डिलीवरी हेड हो गया उनके डिस्टेंस क्या होगा डिलीवरी हेड हो गया इन दोनों का सम आपका स्टैटिक हेड कहलाता है ठीक है ऐसे ही आपका आता है मैनोमेट्रिक हेड ठीक है एच HM एम से मैं इसको डिनोट करूंगा इट इज़ हेड अगेंस्ट विच पंप हैज़ टू वर्क फाइनली पंप किस हेड के अगेंस्ट काम कर रहा है ठीक है वो होगा इट इज द नेट एनर्जी ठीक है वो भी आप कह सकते हैं हेड गिवन टू बाय द पंप टू द वाटर मतलब ओवरऑल पंप ने पानी को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करी ठीक है वो आपका मैनोमेट्रिक हेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए मैनोमेट्रिक हेड को हम अब इसी डेफिनेशन से बता सकते हैं कि जो इंपेलर ने पावर जनरेट करी ठीक है डिवाइडेड बाय जी और ये पर्टिकुलर केस सीधा सीधा क्यू लिख दिया इसमें से माइनस वी वी डब्ल्यू वन यू वन क्यू नहीं किया ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए ये सेंट्री फ्यूगल पंप के लिए इसने यूज किया कैसे किया वो मैं आपको बताता हूं फुटवाल और स्ट्रेनर सक्शन पाइव में दिया जाता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ नहीं है ये जाली है ठीक है अगर लॉसेज हैं पंप में ठीक है देर आर लॉसेज इन पंप तो आपका ये मैनोमेट्रिक हेड ये है उसमें से पंप लॉसेज माइनस कर देंगे पंप में क्या क्या लॉसेज होंगे इम्पेलर में कुछ लॉस हुए या फिर आपके केसिंग में कुछ लॉसेज हुए ठीक है वो बताएगा इनके स्पेसिफिक कोई फार्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का वो आपको बताएगा कि इतना हेड लॉस हुआ है इम्पेलर में या केसिंग में इतना हेड लॉस हुआ है ठीक है मैनोमेट्रिक हेड निकालने के लिए डिलीवरी पे जो टोटल हेड है माइनस जो सक्शन पे जो टोटल हेड है उसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे ठीक है मान लो ये आपका आ, संप लेवल है और ये आपका डिलीवरी पॉइंट है ठीक है इसके बीच में कहीं आपका पंप काम कर रहा है, तो सम इस ये इसके बीच का जो हेड है वही टोटल हेड जनरेट किया पंप ने ठीक है मतलब कि यहाँ जो आपका हेड है ठीक है ये टोटल जो हेड है वो आपका पंप ने जो टोटल जनरेट किया वो हेड हो गया ठीक है इसको आगे देखते हैं हाँ अगर ये आपका ऑलमोस्ट सेम है डिलीवरी पॉइंट मान लो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है ठीक है उस पर्टिकुलर केस में जो आप, आपका मैनोमेट्रिक हेड जो जनरेट हो रहा होगा वो ये दो चीज़ कैंसिल आपकी हो जाएगी और रिजल्टेंट ये बचेगी ठीक है आगे देखते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी क्वेश्चनरीज में नहीं होगा क्वेश्चंस में जो यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है मास फ्लोरेट सेम रहेगा इसका मतलब आपका ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी ठीक है रो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है पाई बाय फोर पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर आपका डायमीटर भी सेम हो जाता है डिलीवरी और सक्शन और डिलीवरी पाइप का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इंपेलर के डायमीटर सेम हो जाता है डिलीवरी और सक्शन का ठीक है उस केस में आपका वेलोसिटी इनलेट सक्शन पे और डिलीवरी पे सेम हो जाती है उस केस में आपका मैनोमेट्रिक हेड ये हो जाता है डिलीवरी प्रेशर हेड माइनस आपका सक्शन प्रेशर हेड है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ जो मैनोमेट्रिक हेड है वो क्या होगा सक्शन हेड हमने दिया होगा डिलीवरी हेड हमने दिया होगा और जहाँ डिलीवरी दिया वहाँ कुछ विलासिटी रही होगी डिस्चार्ज विलोसिटी रहेगी उसका जो हैड है प्लस जो आपका फ्रिक्शन लॉस है सक्शन पाइप में प्लस जो आपका फ्रिक्शन लॉसेज है डिलीवरी पाइप में ठीक है तो ये आपके लॉसेज सारे लॉस कवर करेगा सारे हेड्स कवर करेगा और फिर फाइनली एक डिलीवरी वेलोसिटी दी ये टोटल आपने आपके पंप ने जनरेट किया भाई ठीक है तो ये आपका टोटल मैनोमेट्रिक हेड रहेगा तो ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन में हर पैरामीटर आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन करेंगे टेंशन ना लो शुरू शुरू में जब हम कोई फॉर्मूला देखते हैं कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं तो सब ऊपर से जाते हैं बट हम क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे समझ समझ के एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कौन सी इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी ठीक है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो वह बहुत अच्छे से समझाऊंगा जो चीज़ें सिर्फ देखने के लिए समझने के लिए कि फाइनल हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे पहुँचें वो हम थोड़ा लाइटली ले, ले लेंगे चलिए एरिया फ्लो देखते हैं एरिया फ्लो पाई डी वन ठीक है इनलेट पे जो डायमीटर है इनटू पाई सरकम आ गया है ठीक है इनटू बी वन विर्थ ऑफ द वेन ठीक है जो इनलेट पे आपका वेन की विड़थ होगी जो इस पर लगी होगी वेन्स आपकी इस तरह से तो इसकी जो ये विड़थ है इसी एरिया से ऐसे पानी बाहर जा रहा होगा तो सरकम फेरेंस ये विर्थ मैंने किया है तो आपका एरिया फ्लो आ गया इसी को अगर मैं इसी को अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे इनलेट पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा डिस्चार्ज आ जा जाता है ऐसी आउटलेट पे अगर हम देखेंगे आ, ब्लेड के आउटलेट पे ठीक है पाई डी टू इंटू बी टू विथ्स जो एग्जिट पे है ब्लेड की वो इंटू पाई डी टू इसी एरिया ऑफ फ्लो को अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी आपका डिस्चार्ज आ जाता है पावर की अगर मैं बात करूँ वाटर पावर या मैनोमेट्रिक पावर मास फ्लोरेट इंटू जी इंटू मैनोमेट्रिक हेड ठीक है तो मैनोमेट्रिक हेड निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी को मैं लिख सकता हूँ मास फ्लोरेट को रो क्यू इंटू जी इंटू एच एम ठीक है इम्पेलर जो पावर आपकी है हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये है इन जनरल ये होगा इम्पेलर पावर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए है वो ये हो जाएगा ठीक है चलिए ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हमने देखा था इनलेट वेलोसिटी डायग्राम उसमें V1 वन इज इक्वल टू वी था V1 अगर 90 डिग्री पे है इसका मतलब वी डब्ल्यू वन आपका ज़ीरो है ठीक है इसी का ओरिजल्टल कंपोनेंट होता है जो कि ज़ीरो है इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है और ये बच जाता है तो पीछे भी हमने जो फार्मूला देखा था एच HM एम का वो सिर्फ इसीलिए इस क्वांटिटी में हमने देख लिया था ये क्वांटिटी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जाने अनजाने हम वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए देख रहे थे ठीक है चलिए एफिशिएंसी देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो आपकी वाटर पावर ठीक है जी इंटू एच एम डिवाइडेड बाई इंपेलर पावर ठीक है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी वाटर पावर जो फाइनली हमें मिली है डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एफिशिएंसी एफिशिएंसी करके बहुत ज्यादा गेम खेलेगा एग्जामिनर आपके साथ ठीक है चलिए कई बार कुछ रेशियोज हैं जो आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे पता होना चाहिए इन जनरल इनको ऐसा लेते हैं एल्स आपके क्वेश्चन अटक जाएंगे ये जनरली आपका ये जो तीन चीज़ें हैं जनरली आपका कन्वेंशनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यूज होंगे ठीक है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें जनरली यूज नहीं होते डायमीटर रेशियो d1 वन बाई डी आपका 0.5 फाइव लेके चलेंगे इनकेस गिवन नहीं है जनरली गिवन होगा नहीं गिवन तो हम ये ले लेंगे ठीक है स्पीड रेशियो के यू से मैं डिनोट करूंगा u2 टू बाई टू जी इंटू एच एम मैनोमेट्रिक हेड फ्लो रेशियो के एफ़्स में डिनोट करूँगा फ्लो विलोसिटी एट एग्जिट डिवाइडेड बाई टू जी इन टू एच एम ठीक है कई बार ये रेशियो वो देता है ठीक है मैनोमेट्रिक हेड आप निकालते हैं और यू आप आपसे पूछ लिया जाता है यूट्यूब आपको गिवन होता है ये गिवन है तो आप हेड निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार वो यूज़ कर लेता है ई एस सी के टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है चलिए दो मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं